नौगछिया पुलिस जिला के महिला थाना का माहौल शुक्रवार को अचानक उस समय गुलजार हो गया जब बिना बैंड बाजा बारात और किसी तामझाम के शादी के कपड़े में प्रेमी जोड़ा शादी करने थाना पहुंच गया। यहां एक कपल का प्यार 2 साल बाद पूरा हुआ। घर वालों की नानुकर के बीच पुलिस ने उनकी शादी महिला थाने में कराई। थाना परिसर में सभी पुलिसकर्मी इस विवाह के साक्षी बने और दोनों प्रेमी जोड़े ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। थाने में सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। यहां पुलिस वाले ही बराती बने और फिर पति पत्नी पर फूल बरसाए। थाना प्रभारी ने वरवधु के सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद वधु अपने पति के साथ उसके घर रवाना हो गई। थाने में हुई शादी की चर्चा जिले में चारों ओर हो रही है। बताया जा रहा है कि नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के गोटखरी की रहने वाली मुस्कान कुमारी और खरीक थाना क्षेत्र के ही गणेशपुर के रहने वाले मनीष कुमार का पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी लड़के के परिवार वालों को हो गई और फिर लड़के के परिवार वाले इससे नाराज हो गए, जिसके बाद लड़का और लड़की शादी करने की बात पर अड़ गए। लड़के के परिवार बाले के शादी से इनकार करने के बाद लड़की ने महिला थाने में आवेदन दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए महिला थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने दोनों पक्षों से समझौता कराया और शुक्रवार को महिला थाना के परिसर में मनीष और मुस्कान की शादी हिंदू रीति रिवाज से करवा दी गई। क्या नाम है? मनीष कुमार। पिता का? रंजीत मुनि। गणेशपुर। कैसे हो आपके? कहाँ पहले मुलाकात हुआ? कब? गाँव में। गाँव में? हाँ। कितने दिन से चल रहा? 2 साल से। 2 साल से। अभी कहाँ शादी की हो? चतरी मंदिर में। कब? कल। घर वाला रेडी नहीं थे? सब रेडी हो गया। अभी रेडी हुआ? नहीं, पहले से। फिर थाना तक कैसे आ गए? केस भी हुआ था? केस भी हुआ था? हाँ, फॉर्म दिया था। कौन? क्यों केस? क्या जब प्रेम था तो? किधर से केस हुआ? लड़का बुला के? लड़के। लड़के बुला के? कौन राजी नहीं था? हम सब नहीं थे। तुम लोग नहीं थे? कारण? आप खुश हो शादी से? हाँ। जब प्रेम करते थे तो राजी कह देते? दहेज का मामला था क्या? नहीं। तब फिर? वो सब नहीं था। मोबाइल आगे देखिए। क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमारी। पता का? मणिचंद चौरसिया। कहाँ हुआ? गोटखरी। कैसे प्रेम प्रसंग में शादी? गांव में ही। कब से इनको जान रहे थे? 2.5 साल से। किस तरह से संपर्क हुआ? कैसे मुलाकात? कैसे बातचीत करते करते ऐसे मुलाकात? गाँव में ही। शादी घर वाला नहीं करना चाहते थे? ये तैयार नहीं था इसी वजह से। क्यों? प्रेम न करते थे आप लोग? फिर भी ये तैयार नहीं था, गार्जियन का परेशानी की वजह से। जब इनके गार्जियन तैयार हुए तो फिर कर लिए। अब शादी सब कुछ है? हाँ। क्या कहेंगे दोनों? कैसे रहना है? दोनों मिलके रहना है अच्छा सा। थाना आए तब तैयार हुआ शादी करने के लिए क्या? अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन होने जा रहा है, इसको लेकर पूरे देश के साथ भागलपुर में उत्साह देखा जा रहा है। भागलपुर में आदर्श जलपान चलाने वाले 2 भाई कृष्ण और बलराम भगवान राम के आगमन को लेकर काफी उत्साहित है। दोनों भाइयों ने मिलकर शुद्ध घी के 11 क्विंटल लड्डू बनवाए हैं, जो राम भक्तों के बीच बांटने की तैयारी है। साथ ही 1 लाख हनुमान चालीसा की कॉपी दी जाएगी। शुद्ध घी का लड्डू बनाने में कई दिनों से राम भक्त लगे हुए हैं। शुद्ध घी के लड्डू जिले के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाएंगे। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। 14 साल बाद जब राम वापस आए थे वनवास भोगकर, तो आज तक दिवाली मनाई जा रही है पूरे देश में। तो सोचिए, ये 500 साल बाद रामलला वापस अयोध्या आ रहे हैं, तो दिवाली कैसी मनानी चाहिए? हर भक्तों को दिवाली जोर शोर से मनानी चाहिए, और ऐसी दिवाली मनानी चाहिए ना जो कभी बनी है, ना भूते ना भविष्य थे। और खूब जोरों से दिवाली मनाइए, हर जगह घर में दीपक जलाइए, भगवान लहराइए। और यहाँ 31,000 लड्डुओं का भोग लग रहा है, ये आदर्श जलपान की तरफ से लग रहा है। जहाँ कल्याणपुर जाएगा डॉक्टर नीतीश दुबे और डॉक्टर मनीष दुबे के संरक्षक में लड्डुआ बैठेंगी 2,000 किलो। फिर मीनाल शेखर कल्याणपुर में आइए, अमरपुर में वहाँ बटेगा। यहाँ खली वैरायटी चौक में मंदिर में बटेगा, काली मंदिर सोनापट्टी बटेगा, और नीचे राम दरबार आदर्श जलपान की तरफ से बैठाया गया है, जिसमें वहाँ भी लड्डू का प्रसाद का वितरण होगा तिलक के साथ। आज हम लोग राम जी के मौसी के घर से हैं, हम लोग मौसेरे भाई लगते हैं उनके, इसीलिए
हम लोग का तो उत्साह देखने लायक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो एको हम द्वितीय नास्ती, ना भूतो ना भविष्यति। इसीलिए हर जगह लड्डू बढ़िया से खूब दिवाली मनाइए और बढ़िया से मनाइए, ये हम लोग का उत्साह है और हम लोग इसके लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं। जय श्री राम। जलपान परिवार इतना उत्साहित है जिसका कि वर्णन करना मुश्किल है। हम लोग श्री राम दरबार के लिए वितरण के लिए 21,000 लड्डू का व्यवस्था किए हैं, जो कि कई मंदिरों में विभिन्न जगहों पर जाके बतेगा। नीचे राम दरबार स्थापित किया गया है, जहाँ भी वो बतेगा रात में रिपोर्ट सब होगी। एक्चुअल में हम लोग इसलिए ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि हम लोग उनके मौसेरे भाई लगते हैं, क्योंकि श्री राम जी के मौसी घर भागलपुर में है। राम जी के मौसी घर भी जो है लड्डू वितरण के लिए जा रहा है, अमरपुर जा रहा है, कल्याणपुर जा रहा है, सोनापति काली मंदिर जा रहा है, विभिन्न हनुमान जी के मंदिरों जा रहा है। माने लड्डू मैं कर देना है भागलपुर को, लड्डू मैं कर देना है, यही आदर्श की तमन्ना है, यही भावना है। जय श्री राम। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से प्रभु श्री राम के स्वागत में लगे हुए हैं, तो वहीं भागलपुर के सिंटू प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस भीषण ठंड में खुले बदन हाथ में प्रभु श्री राम का झंडा लेकर मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोगों को 22 जनवरी को अपने घर में दीपोत्सव मनाने की बात कह रहे हैं। भागलपुर के सिंटू कई दिनों से बिना कुछ खाए जिले के सभी मंदिर भ्रमण कर रहे हैं और सभी लोगों को अपने घरों में 22 जनवरी को दीप जलाकर प्रभु श्री राम की स्वागत करने की बात कह रहे हैं। पूरा भागलपुर हर मंदिर हम घूम रहे हैं और 40 दिन हमको जल पे रहना है राम भगवान और भोलेनाथ के नाम पे। लोगों से यही कह रहे हैं हम कि मोदी जी जो है ना, इतना बड़ा कोई नहीं बना सका, अयोध्या पर मोदी जी अयोध्या मंदिर बना दिए। कितना प्रधानमंत्री आए कोई नहीं बनाए, पर मोदी जी आए अयोध्या मंदिर बना दिए। यहाँ कम से कम 12 घंटा मंदिर में जाप करेंगे बैठ के पालथी मार के, ऐसे एकदम पूरा नीट 5 बजे भोर से। ठंड नहीं लग रही है? नहीं, हमको कोई ठंड नहीं लग रहा। जब ऊपर वाला का दया है तो नीचे वाला मेरा क्या बिगाड़ सके। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी को पटना के वेटरनरी कॉलेज में मनाई जाएगी, जिसको लेकर सूबे के हर जिले में खासी तैयारी देखी जा रही है। इसी बाबत आज जदयू भागलपुर इकाई की ओर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम हमारा है क्योंकि हमारे जो पार्टी के सर्वमान्य नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कर्पूरी जी के फार्मूला को पूरा साकार किए हैं और कर्पूरी जी के सपनों को, जो उनका सपना था बिहार कैसा हो, उसको धरातल पर उतारने का जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, तो वही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है उनके शताब्दी समारोह में पूरे बिहार से देश में एक संदेश दें कि अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण समाज का जो आज स्थिति है देश में, आज भी हकमारी हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के मुद्दा को लेकर के देश को एक संदेश देना चाहते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मां नंदी संस्थान की ओर से सैंडिस कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर 5 कुंडिया हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 5 कुंडिया यज्ञ गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र से आहुति की गई। वहीं 5001 दिए से भगवान राम के चित्र को बनाया गया, फिर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। Yeah.
22 जनवरी को श्री राम प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। पूरे देश में लोग भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर देश के विभिन्न मंदिरों में भक्ति कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई मंदिरों से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नाथनगर, मुंदीचक, बरारी, आदमपुर, बूढ़ानाथ के मंदिर शामिल है। नाथनगर के नसरत खानी जुल्मी काली मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में डीजे पर जय श्री राम की जय घोष के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं सर पर कलश लेकर चल रही थीं।